दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऊंचाई दूरी का जो कल भी चल रहा था क्लास, उसी में से कल आपका था अति लघु उत्तरी, आज चल रहा है दीर्घ उत्तरी। यानी अति लघु उत्तरी से थोड़ा बड़ा होता है लघु उत्तरी, लघु उत्तरी के बाद आएगा दीर्घ उत्तरी। तो आज दोस्तों आपके सामने है दो दो नंबर का क्वेश्चन, कल आपका एक नंबर का चल रहा था बहुविकल्पी क्वेश्चन, आज चल रहा है दो नंबर का क्वेश्चन। तो दो नंबर में दोस्तों क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हैं लघु उत्तरी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि एक समतल जमीन पर, एक समतल यानी एक बराबर जमीन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन जितनी न बार तुम पढ़ोगे, जब तक दो तीन बार क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। पहले एक दो बार क्वेश्चन को पढ़िए, आपको जैसे ना आप चित्र बना लेंगे वैसे ना आप आसानी से सवाल कर लेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक समतल जमीन, एक समतल जमीन मान लेते हैं ये आपकी समतल जमीन है। क्या ये आपका समतल जमीन है? कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक मीनार हम खड़ी कर दिए, ये आपकी मीनार खड़ी है। कह रहा है एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती है। पहले तो इसकी छाया जितनी है उतनी रहेगी, फिर उसके बाद कहते हैं कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश। पहले इसका उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। तो दोस्तों आप यहां से जब सूर्य यहां पे है, इसका परछाई जो बनेगा इसका उन्नयन कोण, तो मान लेते हैं यहां पे बनता है कितने अंश का? 60 अंश का। पहले 60 अंश का बन रहा है, फिर कह रहा है कि 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है, तो कितने मीटर अधिक लंबी हो जाती है परछाई? 40 मीटर। तो दोस्तों यहां से यहां तक जो लंबाई होती है अधिक लंबी हो जाती है, ये 40 मीटर अधिक लंबी होती है, और इसका उन्नयन कोण घटकर कितने अंश हो जाता है? 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक समतल जमीन है जिसपे हमने एक मीनार खड़ी कर दिया, खड़ी मीनार की छाया, कह रहा है ये मीनार की जो इस तरफ बन रही है क्या बन रही है? छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती है। किस स्थिति में? जब पहले उन्नयन कोण 60 अंश होता है, जब घटकर 30 अंश आता है तो कितने मीटर अधिक लंबी हो जाती है? 40 मीटर। तब कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया 1 मीटर। तो दोस्तों बहुत आसान है, बस आप आसानी से जैसे क्वेश्चन पढ़िए उसी तरह आपको चित्र बनाना है। जब आप चित्र बना लेंगे तो सवाल एकदम आसानी से आप कर लेंगे। तो यहां पे मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, यहां मान लें डी। अब ये 40 मीटर है, ये दूरी यहां से यहां तक मान लेते हैं एक्स मीटर। अब दोस्तों इतना 40 मीटर है, इतना एक्स मीटर, टोटल अगर यहां से यहां तक हम निकालेंगे दूरी, ये टोटल जुड़ जाएगी 40 प्लस x। ये अब यहां से आपको दो त्रिभुज बनाए, पहले थोड़ा सा आपको लिखना है। माना माना बी सी, माना बी सी एक क्या है? मीनार है। बी सी एक मीनार है तथा ए बी क्या है? छाया है। ए बी छाया बराबर कितना है? ए से बी तक टोटल है 40 प्लस x मीटर और ए बी बराबर 40 मीटर है, डी बी बराबर एक्स मीटर है, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर 30 अंश है, और एक कोण बी डी सी बराबर है 60 अंश। ये इतना आपका जितना क्वेश्चन में उतने हम लिखे हैं, कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखा गया है। कह रहा बी सी एक मीनार है, हमने बी सी को एक मीनार मान लिया, फिर ये नीचे की जो छाया बन रही है छाया हमने लिख दिया,
ए से डी 40 मीटर है, 40 मीटर लिख दिया। बी से डी तक कितना एक्स मीटर है, एक्स मीटर लिख दिया। दो त्रिभुज बन रहे हैं, बी ए सी बन रहा है, बी ए सी बन रहा है 30 अंश, बी डी यानी बी डी सी बन रहा है 60 अंश, 60 अंश लिख दिया। फिर उसके बाद हम हल करते हैं। पहले हम लेंगे पूरे में दो त्रिभुज बना है बी ए सी में, अब यहां लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में। दोस्तों जब बी ए सी में लेंगे तो आपको पता है ये लंब है ये आधार, तो हम लिखेंगे टैन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो यहां आप लिखेंगे टैन थीटा के स्थान कितना है 30 अंश, तो 30 अंश लिख दिया। लंब टोटल आपका लंब क्या है बी सी, लंब लिखेंगे बी सी अपान आधार टोटल ए बी। तो आपको पता है बी सी टोटल क्या है एच, ए बी टोटल क्या है 40 प्लस x, इतना लिख दिया। अब आपको पता है दोस्तों tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहां आप लिखेंगे 1/√3 बराबर एच अपान 40 प्लस x। अब 3 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो √3 h बराबर 40 प्लस x। यहीं पे इसको छोड़ दो दोस्तों, समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है यानी h का मान, तो आप दूसरे त्रिभुज में लगाएंगे त्रिभुज बी डी सी में। बी डी सी में जब बी डी सी लेंगे आप तो आप क्या लिखेंगे tan 60 अंश, तो यहां लिखेंगे आप tan 60 अंश लंब h आधार x। अब आपको पता है tan 60 का मान होता है √3, तो यहां tan 60 के मान रखेंगे √3 h/x, त्रिया गुणा करेंगे तो √3 x/h। अब यहां से दोस्तों आपको पता है किसका मान निकालना है h का, h का मान निकालना है, तो यहां से आप थोड़ा सा और हल कर देंगे तो x बराबर √3 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो h/√3। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहां आप लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां आप हल करेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप उसी तरह नोट कर दो √3 h बराबर 40 प्लस x के स्थान पे आप रखेंगे h/√3। अब इधर प्लस में बराबर किस तरफ लाएंगे तो क्या होगा माइनस में, इसको आप लिखेंगे √3 h माइनस h/√3 बराबर 40। अब त्रिया गुणा करो, √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 से h में तो 3 h माइनस h बराबर इस √3 से इधर गुणा कर देंगे तो 40 √3, √3 यानी 3 h से h घटाएंगे तो 2 h बराबर 40 √3, तो h बराबर 40 √3 अपान, ये दो गुणा में इधर आएगा दोस्तों भाग में, तो 2 से आप काटेंगे तो 20 आया, तो h बराबर 20√3 मीटर, ये आपकी ऊंचाई मीनार की निकल आई। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका, दीर्घ उत्तरी यानी जब भी आएगा क्वेश्चन इस तरह का दो कोण से तो 2 नंबर का रहेगा आपका, तो हमें विश्वास है आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके सवाल को हल जरूर करें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पर्वत के शिखर, दोस्तों शेयर करना ना भूलें, और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलने वाला नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु, मान लेते हैं हम ये आपकी जमीन है, इस जमीन से एक पर्वत है मान लिया, अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है तो ये आपका पर्वत है, पर्वत से कह रहा है पूर्व की ओर, मान लेते हैं दोस्तों इस तरह पूरब है, पूरब की ओर दो बिंदु, एक बिंदु यहां मान लेते हैं एक बिंदु यहां। क्वेश्चन कह रहा है एक पर्वत के शिखर से, ये आपका जब पर्वत हो गया, पर्वत के पूर्व की ओर कह रहा शिखर से दो बिंदु हैं, पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं पर
शिखर पर अवनमन कोण। दोस्तों आपको इस बार अवनमन कोण कह रहा है, तो आपको पता है अवनमन कोण जब भी बनेगा तो पर्वत के शिखर पर अगर आदमी चढ़ के देखेगा नीचे बिंदु, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। फिर कह रहा है अवनमन कोण क्रम 30 अंश और 45 अंश है यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ये दोनों बिंदु जो दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 1 किलोमीटर। अब कह रहा है दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। ये पर्वत की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। ये दो उन्नयन कोण बन रहे हैं, एक बन रहा है 45 अंश का और एक बन रहा है 30 अंश का। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्वत के शिखर से, ये आपका पर्वत है, पर्वत का ये शिखर है, पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, इस तरफ आप मान लेते हैं पूरब है, इस तरफ क्या है? पूर्व है। पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु, ये दो बिंदु हमने स्थित कर दिया शिखर पर अवनमन कोण। अब दोस्तों ऊपर से देख रहा है तो एक अवनमन कोण ऐसे दर्शाएंगे आप, ये 30 अंश का है और टोटल यहां से यहां तक 45 अंश है, ये आपका अवनमन कोण दर्शा दिया गया। कह रहा है कि और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई है, और ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, दूरी x मान लेते हैं हम दोस्तों। इसके पहले जैसे क्वेश्चन लगाए एकदम उसी प्रकार है, टोटल 1 + x किलोमीटर हो जाएगा। ए बी सी डी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब यहां लिखेंगे माना माना ए सी, माना ए सी एक पर्वत है जिसकी ऊंचाई एच मीटर तथा ए बी बराबर 1 + x किलोमीटर और बी डी बराबर 1 किलोमीटर और डी ए बराबर एक्स किलोमीटर। आप दो कोण बने हैं, कोण ए बी सी, ए बी सी, ये कोण आपका बना है ए बी सी बराबर कितना बना है दोस्त? 30 अंश। और कोण ए डी सी बराबर बना है 45 अंश। तो दो त्रिभुज बने हैं, तो अब दोनों त्रिभुज को बारी बारी से, अब पहले त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी में, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो आप लिखेंगे टैन 30 अंश। अब टैन 30 अंश लंब बटे आधार, लंब आपका एच है, आधार 1 + x। अब आपको पता है टैन 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3 h/1 + x। त्रिया गुणा करेंगे दोस्तों तो √3 h = 1 + x, समीकरण नंबर 1। इसको यहीं पे छोड़ दो। फिर उसके बाद दूसरे त्रिभुज में जब लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में जब लेंगे आप, तो फिर आप लिखेंगे टैन 45 अंश लंब एच अपान आधार एक्स। टैन 45 का मान आपको पता है दोस्तों कितना होता है? 1। तो यहां 1 रखेंगे तो बराबर एच बटे एक्स, त्रिया का आप गुणा करेंगे ऐसे, ये मिलेगा एच बराबर एक्स। अब एच बराबर एक्स मिला दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आपको पता है समीकरण नंबर 2 में क्या है, एच और एक्स दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जहां हमको आवश्यकता, अगर x का मान निकालना है तो यहाँ h गायब करना है, अगर x का मान निकालना है तो यहां से x गायब करना है, तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां लिखेंगे आप समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपका है √3 h = 1 + x। अब h और x आपस में क्या है? बराबर है। तो हाँ यहां हम x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? h। तो यहां आप h रख देंगे, प्लस में है, इधर लाएंगे आप माइनस में, तो √3 h प्लस में इधर आया −h = 1, h कॉमन ले लो तो √3 − 1 = 1। अब h के गुणा में है तो इधर आएगा भाग में, तो h बराबर दोस्तों ही मिलेगा आपका, h बराबर मिलेगा 1/√3 − 1। अब इसको आपको क्या करना है? प्रमेयीकरण करना है, माइनस में है तो प्लस से प्रमेयीकरण करेंगे दोस्तों, तो √3 + 1/√3 + 1, तो h बराबर 1 से वही रहेगा गुणा में √3 + 1,
ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे आप एक बार लिखेंगे इतना, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये बनेगा दोस्तों एच बराबर अंडर रूट थ्री प्लस वन, रहने दो, अंडर रूट थ्री के स्क्वायर तीन, एक का स्क्वायर एक, तीन मसे, यानी ये बनेगा थ्री माइनस वन, तीन मसे घटाएंगे दो। अब इसको आप इतना भी लिख सकते हैं वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री प्लस वन, इतना भी लिख सकते हैं दोस्तों। और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अंडर रूट थ्री का मान रख दो 1.732 प्लस वन, इसको आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों वन अपॉन टू, जोड़ेंगे तो 2.732, तो दो से इसमें भाग करेंगे तो 1.366 इतना किलोमीटर। ये आपका h का मान है यानी ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई। तो हमें दोस्तों विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और आपको आराम से और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाया जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट करें तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, नहीं समझ में नहीं आएगा। जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में आने वाला नहीं है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। इसमें कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से। दोस्तों आपको पता है जब मीनार खड़ी होगी तो जमीन पे, ये जमीन है, ये के मीनार खड़ा है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, इसमें मीनार और भवन दोनों चीज है, ये आपका मीनार हुआ, ये आपका कह रहा है भवन है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, ये मीनार का पाद बिंदु है और ये भवन का शिखर है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये मीनार का पाद बिंदु है, ये भवन का शिखर है, तो इससे उन्नयन कोण कितने अंश का है दोस्तों? आपका उन्नयन कोण कह रहा है 30 अंश का है। कह रहा है मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 अंश का। फिर उसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये है। कह रहा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये मीनार के और भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण कितने अंश का है? 60 अंश का। तो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, कितने मीटर ऊंचा है? 50 मीटर ऊंचा है मीनार, 50 मीटर ऊंचा है, तो कह रहा है भवन की ऊंचाई बताइए। ये भवन की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, इस भवन की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार है जो 50 मीटर ऊंचा है, मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु से 60 अंश का कोण बनाता है, और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बनाता है। तो आपसे पूछ रहा है भवन की ऊंचाई, तो यहां त्रिभुज बना दीजिए ए बी सी डी। तो यहां लिखेंगे आप थोड़ा सा, माना डी सी एक मीनार है, ये डी सी क्या है? एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर तथा ए बी भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा कोण ए सी डी, चाहे बी सी ए बराबर 30 अंश और एक कोण बी डी बी सी बराबर 60 अंश, ये दो कोण बने हैं। तो हम पहले त्रिभुज बड़े में ले रहे हैं, डी बी सी में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी में। दोस्तों आपको पता है डी बी सी ये बड़े वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, तो लंबी है आधार, ये बनेगा आधार, हम ये दूरी x मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, d मान सकते हैं। अब जब आपको पता हो गया लंब और आधार, तो आप लगाएंगे क्या?
टैन, तो यहां आप लिखेंगे टैन 60 अंश, लंब पूरा लिखेंगे आप 50/(x)। टैन 60 का मान दोस्तों अंडर रूट 3 होता है, 50/(x) त्रिज्या का आप गुणा करेंगे जब, तो x अंडर रूट 3 बराबर क्या मिला 50, तो x बराबर 50/(√3)। यहां पे छोड़ दो, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। आपसे पूछ रहा है h का मान। अब दूसरे त्रिभुज में लेंगे हम, त्रिभुज ए सी बी, चाहे बी सी ए में, बी सी ए में यहां पे लिखेंगे आप tan 30 अंश, लंब आपका h है, आधार x है, तो h अपान x। आपको पता है tan 30 का मान दोस्तों होता है 1/√3 h अपान x, त्रिज्या गुणा करेंगे आप तो √3 h बराबर x। तो यहां से आपको पता है दोस्तों आपको निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई। तो ये समीकरण नंबर 2 मान रहने दो। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहां लिखेंगे आप समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में जब आप रखेंगे तो √3 h रहने दो। यहां x के स्थान पे आप रख देंगे 50/√3, यहां रख देंगे 50/√3, इधर त्रिज्या गुणा करेंगे दोस्तों, तो h बराबर मिलेगा 50/√3 से √3 में गुणा करेंगे 3। तो इसको चाहे इतने पे छोड़ दो, इसको चाहे भाग में करेंगे तो 16/(2/3), यानी 16 × 48 जो 50/3, इतना मीटर, यानी कितने मीटर हो गया, 16/(2/3) मीटर ऊंचा क्या है, भवन। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट के माध्यम से, नहीं मोबाइल नंबर दिया है, आप फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप आदर्श कोचिंग के नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल तक के लिए थैंक्स दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।